डॉक्टर के जरिए मेडिकल के एक कैंसर मरीज के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी फर्जी डॉक्टर को हिरासत में लेने की जानकारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अविनाश कावंडे ने दी। नागपुर के मेडिकल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कैंसर रोगी का तुरंत इलाज करा कर देता हूँ ऐसा कहकर 12,000 रुपए की ठगी करने का मामला मेडिकल में सामने आया है। ये डॉक्टर लगभग 15 दिनों से मेडिकल में डॉक्टरों की भेस में घूम रहा था। पीड़ित के पति को जबड़े का कैंसर है। इस चीज का फर्जी डॉक्टर ने फायदा उठाया और मरीज की पत्नी को झूठा आश्वासन देकर 12,000 रुपए की ठगी की। इस मामले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट अविनाश कावंडे ने अधिक जानकारी साझा की। तो डॉक्टर आमच्याकडे एक कॅन्सर वार्डमध्ये पेशंट ॲडमिट आहे आणि त्यांची वाईफ या माणसाच्या संपर्कात आली आणि हे जे पेशंट आणि त्यांची वाईफ आहे त्यांच्या एका व्यक्तीशी ओळखीशी संबंध होते आणि त्याचा हा लहान भाऊ आहे त्याच्या थ्रू त्याची ओळख झाली। त्यांनी हे सांगितलं की आम्ही इथं डॉक्टर असल्यामुळे तुमचं काम करून देऊ आणि त्यांनी मला वाटतं 12,000 रुपये त्यांच्याकडनं घेतले होते। आमच्या इथल्या सिक्युरिटीने त्याला पकडल्याच्यानंतर त्याची पूर्ण चौकशी झाली आणि त्यांनी सगळं कबूल केलं आणि ते 12,000 रुपये त्यांनी त्या पेशंटचे वापस केले। बता दें कि आरोपी फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि मेडिकल में इतने दिन एक फर्जी डॉक्टर कैसे घूम सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़ नागपुर।